नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए तिरंगी पगड़ी बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए सॉफ्ट वाली 3-ply की मैंने ऊन ली है। ये बहुत सॉफ्ट होती है और इसमें ये 11 नंबर की सलाइयां और फंदे इसमें हमने डाले हैं 31। इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरी सलाई हमको उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से बुनते हुए 4 सलाइयां हम ग्रीन कलर से बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए 4 सलाइयां हमने ग्रीन से बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम व्हाइट से बुनेंगे। 4 सलाइयां हमको व्हाइट से बुननी है। चार सलाइयां बुन लेते हैं। उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए 4 सलाइयां हमने व्हाइट की बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम ये येलो ऑरेंज कलर से 4 सलाइयां फिर बुनेंगे। उल्टा उल्टा ही हमको बुनना है। सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे बुन करके कंप्लीट करने हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से हम बुनते जाएंगे और 4 सलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 4 सलाइयां हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम इधर से सभी फंदों को बंद कर देंगे। सभी फंदों को बंद कर देना, घटा देना है। देखिए 2 का 1, देखिए 2 फंदों का 1 किया, 1 इस पर चढ़ाया, फिर ये 2 हो गए, 2 का 1 किया। इस तरह से हम सभी फंदे बंद करते जाएंगे। ये देखिए देखिए इस तरह से हम सभी फंदे बंद कर लेंगे। ये हमारा बन के तैयार है। अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। वो हमें इधर से लेंगे और बीच के देखिए ये 2 हिस्से यहां से किए, बीच का हिस्सा यहां पर, इसको हमें यहां से इस तरह से करना है। और ये वाला हिस्सा ले जाएंगे इस तरह से और बीच में इस तरह से हम थोड़ा इसको लूज कर लेंगे जिससे कि सर जा पाए इस तरह से। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये पीछे का हिस्से में यहां जाकर के हमको इसको इस तरह से ले जाकर के इस तरह से हमको सिलाई करनी है। और ये वाला हिस्सा इधर सिल देंगे। ये दोनों हिस्सों को मिला करके हमें इस तरह से सिलना है। अब ये पीछे वाला हिस्सा इसको हम यहां पे सिल देंगे। देखिए हमारी सिल करके ये तैयार है। हम यहां से धागा को काट देंगे और इसको सीधी करेंगे। देखिए हमारी तिरंगी कान्हा जी की पगड़ी बनकर के तैयार है। देखिए कितनी सुंदर बनी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।